Hello students, I am Pooja and I welcome you to the online classes of KPS. Today, we will start our lesson first of class 10th Geography, Resource and Development. As you have studied in your previous class, what is a resource? जो भी चीज़ environment में available है, जिनसे कि हम हमारे needs को satisfy करते हैं, वो resources है. Resources जो है, technically accessible होते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल होते हैं और कल्चरली जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं और इन्हें रिसोर्स के टर्म में से कहा जाता है. जो रिसोर्स है इसके ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो एनवायरनमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती है. मतलब नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन तीनों के बीच ये जो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है उसी की वजह से हम किसी वस्तु को रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं. ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस बनाता है और बाद में अपने कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है. रिसोर्सेज, कुछ लोगों का मानना होता है कि रिसोर्सेज हमारे लिए नेचर के फ्री गिफ्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक फंक्शन है. ह्यूमन बीइंग्स खुद जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट या एसेंशियल रिसोर्स है, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको ट्रांसफॉर्म करके उनको रिसोर्स बनाता है और फिर उनको यूज़ करता है. रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, जिसमें ओरिजिन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है बायोटिक और एबायोटिक. एग्जस्टिबिलिटी के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. ओनरशिप के बेसिस पर है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल. और डेवलपमेंट का जो स्टेटस है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व. और ये आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं. सबसे पहले आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो हम उसके ओरिजिन यानी उत्पत्ति के बेसिस पर पढ़ेंगे. बायोटिक रिसोर्सेज जो है वो बायोस्फीयर से लिए जाते हैं और वो एक लाइफ रिसोर्स है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, हमारी जितने भी फ्लोरा फ्यूना है, फिशरीज है, लाइफ स्टॉक है, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं. मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज में आती है. एबायोटिक, इसमें वो थिंग्स आती है जो कि नॉन लिविंग है, इन्हें बायोटिक कहा जाता है. लाइक रोड है, मेटल्स है, रॉक्स है एट्सेट्रा, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो एबायोटिक रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं. फिर आता है एग्जस्टिबिलिटी के बेसिस पर, तो जिसमें सबसे पहला आता है रिन्यूएबल, जिनको कि वापस से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है. ये वो रिसोर्स है जिनके फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू वापस से रिप्लेनिशेबल बनाया जा सकता है. लाइक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, इन सबको वापस से बनाया जाता है. नेक्स्ट आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये जो रिसोर्सेज हैं इनको बनने में एक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लगता है. मिनरल्स है या फिर फॉसिल फ्यूल्स जो है वो इस टाइप के रिसोर्सेज है जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है. और इसी प्रकार से मेटल्स है, इनको जो है हम वापस से रिसाइकल कर सकते हैं. लेकिन फॉसिल फ्यूल, जैसे कि हमारा कोल है, कोल जितना हमारे अर्थ के नीचे से निकल रहा है वो निकल रहा है, लेकिन एक बार अगर ये ख़त्म हो जाता है तो इसको वापस से बनने में हजारों लाखों सालों का टाइम लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उनको हमें देखकर और सोचकर यूज़ में लाना चाहिए. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल रिसोर्स. ये वो रिसोर्स हैं जिन्हें कि कोई प्राइवेट या फिर इंडिविजुअली जो है जिनका ओनर है. बहुत सारे फार्मर्स जो हैं जिनके अपना खुद का प्लॉट होता है, लैंड होता है, और गवर्नमेंट को जो है उनको रेवेन्यू देते हैं वो लोग गवर्नमेंट को. विलेजेस के अंदर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओनरशिप के बेसिस पर लैंड रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लैंडलेस है, उनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती. अर्बन लोग जो हैं, शहरी लोग जो होते हैं, उनके पास अपने प्लॉट, हाउसेज या दूसरी प्रॉपर्टीज होती है. प्लांटेशन, प्लास्टर लैंड, पॉन्ड या फिर वाटर वेल्स, ये सब भी इसी के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट आता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज. जैसा कि नाम से पता चल रहा है पूरी कम्युनिटी का इनके ऊपर कंट्रोल होता है. कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं. जैसे कि विलेजेस के अंदर ग्रेजिंग ग्राउंड है उनके पशुओं के लिए, बोरियल ग्राउंड जिसे शमशान घाट कहा जाता है,
या फिर उसी के साथ साथ विलेज पॉन्ड, जहाँ पे कि गांव के लोग जो है पानी लाते हैं या फिर पशुओं को पानी पिलाने का काम किया जाता है, पब्लिक पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट है, प्लेग्राउंड्स है अर्बन एरियाज़ के अंदर, ये भी कुछ इसी प्रकार के कम्युनिटी लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ये वो रिसोर्सेज है जो एक नेशन को बिलोंग करते हैं, मतलब एक राष्ट्र का जिनके ऊपर कंट्रोल होता है, कंट्री की लीगल पावर होती है, उनकी कंट्री के प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि वो अपने पब्लिक के गुड के लिए इनको यूज़ में ले सकती है, जैसे कि रोड है, कनाल है, रेलवेज हैं, जिनको कि कुछ इंडिविजुअल्स ने बनाया हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो पूरे नेशन का होता है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनके पास ये पावर है कि गवर्नमेंट के एक्वायर्ड लैंड के ऊपर वो है इस प्रकार की चीज़ों को बनाती है, कितने भी मिनरल्स है, वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो है, या फिर हमारी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जितना भी लैंड आता है, ओशनिक एरिया जो है, इन सब के ऊपर पूरी कंट्री के लोगों का कंट्रोल है। मतलब कि कंट्री के लोग अगर पूरे इंडिया के जो बाउंड्री है वहाँ पर अगर कहीं जाना चाहते हैं तो उनको कोई भी वहाँ जाने से नहीं रोक सकता। तो ये वो रिसोर्स है जो कि पूरे नेशन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है वो एक प्रकार की इंस्टीट्यूशन है जो कि कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करती है। ओशनिक रिसोर्स जो कि 200 न्यूटिकल माइल्स में जो कि पाए जाते हैं, जो कि एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि एक ओपन ओशन का एरिया है, वो किसी इंडिविजुअल कंट्री का नहीं है, क्योंकि ओशन जो है वो पूरे कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है और विदाउट कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इसको यूटिलाइज कर सकती है। नेक्स्ट आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर। तो सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन इनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है जैसे राजस्थान और गुजरात है, वहाँ पर बहुत सारे पोटेंशियल डेवलपमेंट है जैसे विंड की या सोलर एनर्जी की, लेकिन अभी तक उनको प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया है। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनको कि सर्वे करने के बाद उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो डिटरमाइन हो चुकी है यूटिलाइज करने के लिए। इन रिसोर्सेज की जो डेवलपमेंट है वो टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी के लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है स्टॉक। एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी मटेरियल है जो कि पोटेंशियल है, जिनसे कि ह्यूमन अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है उसके पास इतने टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच सके, उन्हें जो है स्टॉक वाले रिसोर्सेज कहा जाता है। वाटर जो है वो गैसेस में भी मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन को जो है एनर्जी के रूप में यूज़ में लिया जा सकता है, लेकिन अभी हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हम जान पाए, तो इसीलिए इसे स्टॉक कंसिडर किया जाता है। रिजर्व जो है वो एक प्रकार के स्टॉक है जिन्हें कि कुछ टेक्निक के यूज़ को लेकर यूज़ में लिया जा सकता है, लेकिन उनको यूज़ करना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शायद इनको फ्यूचर में यूज़ में लिया जा सके। रिवर वाटर जो है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है प्रेजेंट में, लेकिन इसका एक लिमिटेड एक्सटेंट है। पानी को जो है वो डैम में इकट्ठा किया जाता है और बाद में उसे फ्यूचर के यूज़ के लिए सेव करके रख दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन के सर्वाइवर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे लाइफ के अंदर उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि रिसोर्स जो है नेचर का फ्री गिफ्ट है हमारे लिए, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो उनको बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के यूज़ में ले रहा है और जिससे कि कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसमें फर्स्ट है रिसोर्सेज जो है वो हर एक इंडिविजुअल जो है अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए एक्सेस में यूज़ में ले रहा है। सेकंड, रिसोर्सेज जो है वो कई हाथों के अंदर, मतलब कुछ ही लोग हैं जिनका उन रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, सोसाइटी के अंदर इक्वली उनको डिवाइड नहीं किया गया है। तो कुछ रिच लोग हैं जिन्होंने पूरे रिसोर्सेज को कंट्रोल में कर रखा और कुछ पुअर लोग हैं जो इन रिसोर्सेज तक अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मतलब रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लोइट किया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर जो है वो हट रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है या फिर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सब इसी के परिणाम है। तो ये जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी सोसाइटी के अंदर
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है, क्योंकि इससे जो है लाइफ की क्वालिटी भी बनी रहेगी और ग्लोबल पीस भी बना रहेगा। अगर रिसोर्सेज को यूज़ करने का जो प्रेजेंट ट्रेंड है, अगर वो कुछ ही लोग या कुछ ही कंट्री के हाथ में रहा, तो फ्यूचर में हमारा प्लेनेट जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल एक्सटेंस के लिए। सस्टेनेबल का मतलब है सतत विकास, मतलब फ्यूचर के लिए चीज़ों को किस प्रकार से यूज़ में रखना है, इसके लिए प्लानिंग करना, ताकि लाइफ के जितने भी फॉर्म हैं वो अपनी लाइफ को जी सके। वो सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस कंपोनेंट जो है वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसे वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की। बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिन्हें सेल्फ सफिशिएंट टर्म में माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी है। लेकिन वहाँ पर कुछ रीज़न ऐसे भी हैं जहाँ पर इस प्रकार के रिसोर्सेज की शॉर्टेज देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है जैसे हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो स्टेट हैं वहाँ पर मिनरल्स या फिर कोल डिपॉजिट मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर वाटर रिसोर्स है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वहाँ पे लैक है, अभाव है। राजस्थान जो है वहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी बनाई जा सकती है, लेकिन वाटर रिसोर्स जो है उसकी कमी है। लद्दाख जो एक कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पर कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड रिसोर्सेज की कमी है। कल्चरल हेरिटेज की अगर बात की जाए तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और विटल मिनरल जो इन सभी का होना जरूरी है। तो एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की जरूरी है नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पर। नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के अंदर जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री रिसोर्सेज का जो है एक रीजन के अंदर या कंट्री के अंदर देखा जा रहा है। इसके अंदर सर्वे किया जा रहा है, मैप बनाए जा रहे हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब गुण कैसे हैं और मात्रा कितनी है, एस्टिमेट लगाना, रिसोर्सेज का मेजरमेंट करना, इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। सेकंड, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना जिसमें कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप जरूरी है, ताकि रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान बनाए जा सके। और थर्ड है, रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान जो है उन्हें नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना, कि दोनों की मैचिंग कितनी बैठ रही है। इंडिया जो है वो अपने तरफ से एफर्ट लगा रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग का जो राइट है वो 5-year प्लान की तरह ही इंटरडिपेंडेंस की तरह से लॉन्च किया जा सके। रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो कुछ नेसेसरी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है हर एक रीजन के अंदर, लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल जो है वो कुछ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के अभाव में डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं जा पाते। बहुत सारे रीजंस ऐसे भी हैं हमारे कंट्री के अंदर जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जो कि लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड वो रीजंस देखने को मिलते हैं। और इसी के अपोजिट कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनके अंदर रिसोर्सेज बहुत कम है बट इकोनॉमिकली वो रीजंस डेवलप्ड है। तो हिस्ट्री जो है वो रिवील्स करती है, ये बात बताती है कि रिच रिसोर्स कॉलोनीज जो है वो फॉरेन इन्वेंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का सेंटर रहे हैं। फॉरेन इन्वेंटर्स जो थे वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं उस जगह पर जहाँ पर मिनरल्स हैं और रिसोर्सेज हैं। और ये जो है प्राइमरली हायर लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है कॉलोनाइजिंग कंट्रीज़ के अंदर यूज़ की गई, ताकि रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जा सके। और जितने भी इन्वेंटर आए उन्होंने अपनी खुद की सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए रिसोर्सेज को ज़्यादा मात्रा में यूज़ में लिया। रिसोर्स का कंट्रीब्यूट जो है डेवलपमेंट में वो एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन चेंजेस पे डिपेंड करते हैं। इंडिया ने भी इस प्रकार का एक्सपीरियंस किया है अलग अलग फेजेस के कॉलोनाइजेशन में। इंडिया के अंदर डेवलपमेंट जो है वो जनरल वे में अगर देखी जाए तो जो रिसोर्स डेवलपमेंट है वो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो है लोगों का, उन सब के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेज जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे वेटल रोल प्ले करते हैं, लेकिन इरिटेशनल कंजप्शन जो है या फिर ओवर यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज का, उससे कई बार सोशियो इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। और इस प्रकार की प्रॉब्लम से निकलने के लिए रिसोर्सेज कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो अलग अलग लेवल पर बनाने इंपॉर्टेंट है।
मेन कंसर्न जो है लीडर्स का, थिंकर्स का पास्ट में यही था। गांधी जी जो थे उन्होंने भी बहुत सारे कंसर्न दिखाए रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए। उन्होंने कहा भी था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, हर एक इंसान की जरूरत के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, बट नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। उसने ग्रीडी को जो है वो सेल्फिश इंडिविजुअल और एक्सप्लोइटेटिव नेचर के साथ कंपैरिजन किया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो रूट कॉज है रिसोर्सेज का, जो डिप्लोटेशन हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, उसका यही है कि लोग अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ में ले रहे हैं। वो मास प्रोडक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट थे और वो चाहते थे कि प्रोडक्शन जो है वो मासिस के द्वारा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो प्रोडक्शन काम में जुड़ें।